दौर गुने समय बट्टा 100। अब मूलधन, जिस जो धन दिया जाता है किसी को उस पे कितने समय के लिए दिया जाता है, कितना समय के लिए दिया जाता है और दर क्या होता है, तो ब्याज, ब्याज हमें पता चल जाती है। तो अब देखिए ये सूत्र हो गया, तुम यहाँ बैठो ना, रोकने के लिए होगा तो रुक। मूलधन, ठीक है, जो किसी को धन दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। जो किसी को धन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, मूलधन। अगर किसी से हमको ब्याज लेना होता है तो उसको हम कुछ मूलधन देते हैं, तो वो समय, समय भी होता है और दौर भी होता है, समय और दौर, ठीक है, टाइम रेट। तो ब्याज निकालना हो तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। अगर यही मूलधन निकालना हो, मूलधन, मूलधन नहीं नहीं दिया होगा तो मूलधन निकालने के लिए ब्याज, ब्याज गुने 100 बट्टा समय, समय गुने दर, ये होगा। अब हमें समय निकालना हो तो समय, मूलधन दिया हुआ है, समय निकालना है, दर दिया हुआ है, तो ब्याज, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन गुने दर, और दर निकालना हो तो, दर निकालनी हो तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन गुने समय। देखिए मिश्रधन होता है, मिला हुआ धन, मूलधन ब्याज और मूलधन, यानी कि जो दिए हैं मूलधन और दर। मूलधन का मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, मिला हुआ धन को हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। अब इस पे, इस फॉर्मूले पर हम लोग एक एक नियम से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। चलोगे? देखो, कह रहा है 1000 रुपया का वार्षिक, 1000 रुपया का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ मूलधन दिया हुआ है, मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन 1000 रुपया है, मूलधन 1000 रुपया है, ठीक है। दर भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दर 20%, और समय, टाइम भी दिया हुआ है, कितना वर्ष है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ब्याज का, ब्याज गुने पी आर टी बटा 100, यानी पी मूलधन हो गया, आर रेट, टी समय हो गया, ठीक है, ये आर दर होता है बटा 100। तो पी हमें मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है, और दर हमें 20% है, 20%, और कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बटा 100। अब इसको क्या करेंगे,
हल कर लेंगे। 20 से 20 कट जाएगा। ब्याज बराबर यानी कि 600 रुपया हमें 3 साल में कितना रुपया मिलेगा, 600 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा, 600 रुपया मिलेगा। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये, कितना रुपये, 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। कोई व्यक्ति 2 वर्ष के लिए उधार ले रहा है 4000 रुपया। अब कह रहा है अंत में उसे निम्नलिखित मिश्रण देना पड़ेगा, मतलब कि मिला हुआ धन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, मिला हुआ धन। तो देखिए यहाँ आप 4000 रुपया इन्वेस्ट किया है, 4000 रुपया किसी को दिया है, दर 16% है, समय 2 वर्ष है, तो यही फार्मूला लगेगा, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। किसी को ब्याज बराबर PRT/100, ये शॉर्ट में हो गया। तो कितना है मूलधन, 4000 रुपया है, गुने दर 16%, समय 2 वर्ष है, बट्टा 100। अब इसको कटा लेंगे, देखिए 40 × 16 × 32 होता है कितना, 1280। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज। अब हमें पूछ क्या रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, मिला हुआ धन। अब आप किसी आदमी को दे रहे हैं पैसा, तो वो आपको मिला हुआ धन देगा, यानी कि ब्याज सहित मूलधन देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रधन, मिला हुआ धन, मिश्रधन। तो कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन बराबर मूलधन। मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो मूलधन हमें कितना है, 4000 रुपया है, कितना है, 4000 रुपया है, और प्लस में ब्याज कितना आया है, 1280 रुपया। अब देखो मूलधन 4000 रुपया हो गया और ब्याज 5000 रुपया हो गया, तो हो जाएगा यह 5280 रुपया मिश्रधन हो गया। मिला हुआ धन कितना हो गया, 5280 रुपया।